स्वास्तिक शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गुजराती में पुनर्वसन 2। तो पहला सवाल है, नीचे ना विषयों पर 5-7 वाक्य लिखो। यानी आपको नीचे जो भी विषय दिया गया है उस पर 5-7 वाक्य लिखने के। तो पहला है मारू बाड़पण, तो उसमें जवाब आएगा माँ बाड़पण माँ कोई जवाबदारी नहीं, कोई चिंता नहीं, सौ मारी चिंता करे, पड़ी ना जाओ कोई ना जाओ, मांदो ना पड़ू गंदो ना थव, ते माटे घरना सौ खूब दरकार राखे, मने बराबर करावामां अने दूध पीवामां मम्मीनो दम निकली जाए, भाई बंधो साथे रमता रमता वारंवार कपड़ा गंदा करूँ, मम्मी 3-4 वार मारा कपड़ा बदले, बाल मंदिर में मारा घना मित्रों हता, शाला जीवन मजानू हतु, नाटक गरबा रास वेशभूषा में हूँ भाग लेतो, बाळपण याद आता मारु वयु आनंद थी झूमी उठे छे। दूसरा है मारा गामनू पान, तो उसमें एक रीते लिख सकते, मारा गामना पादरे घटादार वडला उभा छे, तेना भी कोड़े दूर पीपड़ा आंबली अने देवदारना वृक्षो छे, गामना पादरे तळाव छे, तळावना किनारे शंकर भगवाननुं मंदिर छे, लोको तळावमां नहाय छे ने मंदिर दर्शन करवा जाय छे, पीपड़ा पासे पाणीनी परब छे, रस्ते पसार थता वटेमार्गो परब परथी पाणी पीने પોતાની તરસ છીપાવે છે, વાર તહેવાર પાદરમાં મેળા ભરાય છે, જાત જાતના ઉત્સવો થાય છે, વૃક્ષો ઉપર સવાર સાંજ પંખીઓના કલરવ સંભળાય છે, પાદરનું દ્રશ્ય મનોહર લાગે છે, ખરેખર પાદર ગામનું નામ છે। તીસરા હે ઉનાળાની બપોર, ઉનાળાના બપોરે ધોમધખતા ઉનાળાનો સૂર્ય અગ્નિની જ્વાળાઓ આંકી રહ્યા છે, क्या कोई पशु के पंखी देखात नहीं, सौ त्राही त्राही पुकारी जाए, पशुओं गामनी भगोड़े घटादार वृक्षों छाया में बेसी रहे थे, लूमा केटलाय पंखी तड़फी ने मृत्यु पामे थे, धरती बिचारी उना उना नीचा भरती आपती पड़ी हो एम लागे थे, गोवाड़ीओ एमना पशुओं साथ वृक्षना छायड़े आराम करे थे, केटलाक लोको माथे बीना पोता मूके थे, केटलाक बारी बारना पर बेसी बीनी सादड़ियों लटकावे थे, श्रीमंतो एर कंडीशन माने थे, केटलाक लोको ठंडा पीना पीवे थे, आइसक्रीम खाए थे, रस्ता सुमसाम लागे थे, गर्मी अने निर्जतता ने कारण रस्ता पोड़ा लागे थे, एक कविए गायु थे, तब तब तो आ तड़को चारे कोर जुओ केवी चबदई गई छे तड़को। प्रश्न 2 है वर्षा ऋतु विषे 8-10 वाक्य लिखो। यानी जो वर्षा ऋतु है उसके बारे में आपको 8-10 वाक्य लिखने के, तो चलिए लिखते। वर्ष की मुख्य 3 ऋतु है शियाड़ो उनाड़ो अने चोमासा, चोमासु चोमासा में वरसाद पड़े तेथी तेने वर्षा ऋतु कहे। वर्षा ऋतु में आकाश में काड़ा काड़ा वादळों छवाई जाए छे, ठंडो पवन फूंकाय छे, वीजळीना चमकाटा अने वादळाना गड़गड़ाट साथे वरसाद तूटी पड़े छे, आथी नाना मोटा सौ आनंदमां आवी जाय छे, मोर कड़ा करीने नाचे छे, देड़का डाव डाव करे छे, खेडूतो खेतर खेड़े छे, ते खेतरमां बी वावे छे, थोड़ाक दिवसोमां बीमांथी लीलाछम छोड़ उगी निकळे छे, धरती पर लीलू घास उगी निकळे छे, तथा तळाव नदीमां પાણીથી ભરાઈ જાય છે, રક્ષાબંધન જન્માષ્ટમી નવરાત્રિ અને દિવાળી જેવા મોટા તહેવારો વર્ષા ઋતુમાં આવે છે, લોકો આ તહેવારો આનંદથી ઉજવે છે, વરસમાં કોઈ વાર ભારે વરસાદ પડે છે, ઘણું નુકસાન થાય છે, અનાજ પાકતું નથી, તેને લીલો દુકાળ કહે છે, કોઈક વાર ઠંડ ઓછા વરસાદ પડે છે, તેને સૂકો દુષ્કાળ કહે છે, વર્ષા ઋતુ આપણને ઘણી ઉપયોગી છે। પ્રશ્ન 3 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો। યાની આપકો યા જો ભી પ્રશ્ન દિયા ગયા હે ઉસકો આપકો જવાબ ઓર વિકલ્પ દિયે ગયે ઉસમેં સે ઢૂંઢ કે લિખને કે હૈ।
एक वरसाद वरसा पछी थीम केवी बने छे, तो उसके विकल्प देते क शंकुवर्णी, ख सोनावर्णी, ग गौणवर्णी अने घर रक्तवर्णी। तो इन चारों में से सही जवाब आएगा ऑप्शन ख सोनावर्णी। दूसरा सवाल है करतंग गाड़ू जोड़ी ने तंदु के शू करवा गया था, तो उसके ऑप्शन है क रटाणु, ख परवा, ग गाम जुआ, ग गोड़ लेवा। तो इन चारों में से सही जवाब आएगा ऑप्शन क हटाणु। तीसरा है नौकर ने जवाब शिकवनार कौन हतुं, तो उसके विकल्प है क अकबर, ख बीरबल, ग बेगम, ग पाटीगर। तो इन चारों में से सही जवाब आएगा ऑप्शन ख बीरबल। चौथा प्रश्न, नीचेना प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में आप। पहला सवाल, पाघड़ द्वीप ने कया बे प्रदेश पथरायेला है। पहला जवाब है, उसका जवाब आएगा गुजरात अने सौराष्ट्रना सीमाड़ अड़ी बाल अने कनेर प्रदेश पाघड़ द्वीप ने पथरायेला है। दूसरा, बुंदेलखंडनो राजा परत केम फरे, तो उसका जवाब आएगा बादशाह अकबर पोते ज लश्कर लईने रण मैदान तरफ आवे छे एवा समाचार मळता बुंदेलखंडनो राजा परत फरे। तीसरा सवाल है, साहेब ने आवता जोई छोकरा शू करता, तो उसका जवाब आएगा साहेब ने आवता जोई छोकरा वर्णी वड़ाइयो के खोदेला खाड़ा में लपाई जाता। प्रश्न पांच है, नीचेनी काव्य पंक्तिनो भावार्थ लखो। तो नंबर एक, नदीना जल नीचे लोकोमां लीला लहेर, तो उसका क्या है भावार्थ आएगा कि नदीओना पानी चोखा थाय छे अने लोकोमां आनंद व्यापी गयो छे। दूसरा, हिम्मत तारी खोतोना स्वार्थ सामे जोतोना सीत शांति ने सेवानो तू पाठ सौने आपे गयो, तो उसका जवाब आएगा तू तारी हिम्मत हारी थी तारा स्वार्थ सामे जोतो नहीं एवं जीवन जीवे जेथी सौने सीत शांति अने सेवानो बोध मड़ी रहे। प्रश्न छ, नीचेनी पंक्तिओ कया काव्यनी छे, तो लखो। तो देखते पहला है लीलो कंचन बाजरो ने उजड़ो दूध सके, तो इसके जवाब में आएगा मेहनतनी मौसम। दूसरा है अंतर ने अजवाड़ी वीरा, तो इसके जवाब में आएगा पगले पगले। तीसरा, रंगे संगे काम करी थाय मलक आबा, तो इसके जवाब आएगा मेहनतनी मौसम। दुर्गम पंथ कापे जा, तो इसका जवाब आएगा पगले पगले। प्रश्न सात है, नीचे अ विभाग में कृतिना नाम आप्या छे सामे ब विभाग में तेना कर्ताना नाम आप्या छे तेने योग्य रीति जोड़ो, यानी आपको या कृति के सामने जो करता यानी लेखक है उसको सही रीते जोड़ लेते। तो चलिए देखते हैं, मेहनत नहीं मोटो, तो उसके सामने आएगा नाथालाल दवे। दूसरा, लेखन झालीनो रही, तो उसके सामने आएगा जोरावर सिंह यादव। तीसरा है पगले पगले, तो उसमें आएगा संत बाब। और चौथा है पादर, तो उसके सामने आएगा किशोर सिंह सोलंकी। प्रश्न आठ का, नीचेना शब्दों ना समानार्थी शब्दों आप। केला जिगर, तो जिगर का होगा दिल भयू। दूसरा, प्रथम, तो बनाओ घटना। तीसरा, गोद्रू, तो गोद्रू का होता है पादर भगवत। चौथा है विकामो, तो विश्राम आराम। ख है नीचेना शब्दों, प्रश्न आठ ख है नीचेना प्रश्नों का विरुद्धार्थी शब्दों आप। पहला आप, तो उसका विरुद्धार्थी होगा धरती। दूसरा, हिम्मत, तो ना हिम्मत। तीसरा, दुर्गम, तो सगम। चौथा, अजवाड़ू, तो अंधर। नीचे आपेली संख्याओं में वर्गीकरण करो।
यानी आपको यह कुछ संख्या दी गई है, कात्य, फूल, कबीरवर, दूध, धूप, नदी, अकबर, पानी, बाजकू, स्नेह, लिंगो, धरती, गौ, सभा, धैर्य, पंक्ति, रविशंकर, महाराज, इतने टुकड़ी से पंच जी सांबू प्रसन्न। व्यक्ति, तो इन सबको आपको, इन संज्ञा को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में आएगा कबीरवर, अकबर, लिमड़ो, रविशंकर, करसंग, दर्शन। तो जातिवाचक में आएगा फूल, नदी, बाजको, पंखी, शेर। द्रव्यवाचक में आएगा दूध, पानी, गौ, घी, आलू। समूहवाचक में आएगा सभा, टुकड़ी, पंच। भाववाचक में आएगा हास्य, रूप, ईस्मी, धैर्य, अनेक। प्रश्न आठ गमे नीचेना रूढ़ी प्रयोगनो अर्थ आपी वाक्य में प्रयोग करो। एक, महान वाई जवा, तो उसका अर्थ होगा समय पसार थी जाए। वाक्य, वर्षों वाहन वाई गया पण माँ पर पोताना वृद्ध दीकरा ने भूली सकी नहीं। दूसरा है, लाल पीड़ा थी गई, खूब गुस्से थो। वाक्य, धनपतराय कड़वाबेन सांभी ने श्रीपतराय लाल पीड़ा थी गया। तीसरा, लाओ ले तो उसका अर्थ होगा आनंद लेव। कोई प्रसंग में वाक्य, दीकरी ने दीकरीना लग्न लाव लेवानी इच्छा, अमृत काकीनी इच्छा पूरी थई गई। आठ नौ प्रश्ननो है, पाठ्यपुस्तकमांथी कोईपण एक पकड़ो, स्वच्छ अने सुंदर अक्षरे तमारी नोटबुक में लखो। तो आपको जो भी पाठ पसंद है उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ लेके आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है। दस, क्रमांक 5-7 कृति में आती तमने मनपसंद कोई कविता भाववाही गान लेखन करो। यानी 5-7 के बीच में कोई भी कविता आती हो तो उसको आपको गाने की है और आपको लिखने की है। तो यह आपका पुनरावर्तन 2 पूरा होता है। यह आपको आपके गुजराती के नोटबुक में लिखने का है।